एक टेबल स्पून मैंने लिया है चिकन टिक्का बिरयानी मसाला। अब हम लोग दही इसमें रख देंगे डाल के। ये हमने दही इसके अंदर ऐड कर दिया और ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ये सब लोग सारी चीज़ें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करके ना आधे घंटे के लिए हम लोगों ने छोड़ देना है ताकि इसके अंदर तक मसाला चले जाए। इसको हाथ की मदद से आप लोग करें तो ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। बस आजकल मैं घर में सब कुछ बना रही हूँ क्योंकि बाहर से तो हम लोगों ने अवॉइड किया हुआ खाना पीना। बस जितने भी अपने आप को सेफ्टी कर रहे हैं उतने ही काम है। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें भी आपको भी। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। ये देखें ये मैंने इसको मिक्स कर होने के लिए मैंने आधा घंटा रख देना ताकि इसके अंदर तक मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। ये मैंने हाफ़ के जी प्याज ले लिए हैं, हाफ़ कप मैंने ले लिया है क्रीम का। और ये सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोगों ने ग्रेवी तैयार करते हुए डालने हैं। 2 टेबल स्पून लिए हैं मिर्च, 2 से 3 अदद हरी मिर्च, 1 अदद लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। तो टिक्का मसाला मैंने टिक्का में डाल दिया था। अब ये देखिए इस पर मैं फ्राई करूँगी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें अब ये चिकन इसके ऊपर कितनी अच्छी तरह से पक गया। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँ और ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ कि आप जो चीज़ें स्पेशल ना बताऊँ कि अब मैंने कहा कि घर में तवा तो लाजमी होता तो वो तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखें साइड की उसकी कितना अच्छा कलर आ गया। ये देखें टिक्का रेडी हो गया। अब इसको ना हम लोगों ने किसी ऐसी चीज़ में डालना है, मैं तो स्टील के बॉल में डालूंगी क्योंकि इसके अंदर कोयला रखना है, जलता हुआ कोयला रखना। ये देखें इस तरह रख के ना इसके ऊपर अब कोयला रखेंगे। ये मैं कोयला यहाँ पे जला रही हूँ अच्छी तरह से, जब जल जाएगा ना फिर इसके ऊपर। ये देखें दूसरी साइड पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया और इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगी। ये देखें यहाँ से होगा, इसके ऊपर हम लोग ऑयल डाल देंगे। ये देखें मैंने प्याज हल्के से ब्राउन करके निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और साथ में जो ये देखें मेरा पेस्ट कितना प्यारा रेडी हो गया। तो अब इसको मैं ऑयल में डाल दूँगी। ये देखें चिकन भी रेडी हो गया। ये देखें अब मैं इसके अंदर डालूंगी। चावल भी मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं तो अब इसका पानी बॉयल होने के लिए रखें। ये देखें चावल बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गए, इसकी कच्ची पनीर रख के बॉयल करते हैं। अब मैं इसका पानी गिरा। ये देखें हमारी मसाला कितना अच्छे तरीके से तैयार हो गया और ये मैंने ये चावल भी बॉयल कर लिए कच्ची करनी रख के। अब हम लोग ये तेल में डालते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी बिरयानी टिक्का बिरयानी कैसी लगी। ये देखें ज़रदा रंग भी मैंने बना लिया था, दूध में मैंने बनाया। ये आपकी अपनी मर्जी होती है।
हम लोगों ने दम पे रख देना 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखना। ये देखें बिरयानी मेरी पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी टेस्टी, कितनी यम्मी लग रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।